तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई मशरूम। तेल, प्याज, शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। हमारा इसे पक गया है। इससे पहले हम अपनी हल्दी डालेंगे, नमक, सब्जी मसाला, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अपना मशरूम मिर्च और प्याज जिसकी हरी धनिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई मशरूम। कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ मशरूम लिए हुए हैं, जिसको मैंने अच्छे से गर्म पानी में धोया हुआ है और पतले पतले पीसेस इसके काटे हुए हैं। साथ ही मैंने एक बड़ा प्याज काटा हुआ है, मैंने इसको इस तरह बड़े बड़े पीस में काटे हुए हैं। साथ ही मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च काटा हुआ है, ये देखिए बड़े बड़े पीस में, बहुत छोटा और बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ में है। मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ है, ये देखिए ये बहुत महीन किया हुआ है। साथ ही हमने यहाँ 15 काजू जो गर्म पानी में मैंने भिगो के रखे हैं मशरूम बनाने के लिए, मैंने यहाँ सरसों तेल का यूज़ किया है। साथ ही हमने यहाँ एक छोटी चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार। मसालों में मैंने सिर्फ सब्जी मसाले का यूज़ किया है। साथ ही हम कसूरी मेथी और काली मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। आप मशरूम की किसी भी सब्जी में काली मिर्च पाउडर का ज़रूर यूज़ करें, उससे मशरूम का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। साबुत काली मिर्च को ही कूट लें। मैंने यहाँ तड़के के लिए सिर्फ एक चम्मच जीरा, एक टुकड़ा दालचीनी, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है। साथ ही मैंने यहाँ एक बड़ी इलायची का यूज़ किया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पे दो बड़े टमाटर, लहसुन, एक पीस अदरक और चार हरी मिर्च का यूज़ किया है। हमें टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च के साथ काजू का भी पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा जार लेंगे, जिसमें हम अपने भिगोए हुए काजू डालेंगे। मैंने काजुओं को अच्छे से धो के गर्म पानी में भिगोया था। साथ ही हम इसमें अपनी हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का जिसको हम थोड़ा छोटा पीस कर लेते हैं इस तरह से। साथ ही हमने यहाँ सारे लहसुन और जो हमने दो बड़े टमाटर लिए थे उसको भी कट करके इसमें पीस लेंगे। इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। अगर आपको काजू का टेस्ट सब्जी में नहीं पसंद तो आप कढ़ाई मशरूम में क्रीम या फिर मलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका पेस्ट बना लें। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी है। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें अपना सरसों तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। तो दोस्तों तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले प्याज, अपने कटे हुए प्याज, साथ ही हम अपने इसमें कटा हुआ एक शिमला मिर्च, इन दोनों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लेना है, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं अपना प्याज और शिमला मिर्च। ये देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तेल हमारा गरम है, अब हम इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और जीरे को डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे, जीरे को अच्छे से भुन जाने देंगे। तो हमारा जीरा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें अपना चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो प्याज को हमें 3 मिनट तक ढककर पका लेना है। इसे हम अच्छे से ढक देंगे। तो 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। प्याज को हम 2 मिनट और खुले में पका लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं और हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना टमाटर, काजू, साथ ही हमने इसमें लहसुन और अदरक और मिर्च पीसा हुआ था, इसकी प्यूरी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू की जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। तो टमाटर को हम अच्छे से ढककर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए, ये देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट भी बहुत अच्छे से पक गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम अपनी हल्दी डालेंगे, नमक, सब्जी मसाला,
साथ में हम इसमें डालेंगे अपनी काली मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो सब्जी मसाले की जगह धनिया पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम 3 से 4 मिनट तक अपने मसालों को भी ढककर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम देखें अपने मसालों को भी। ये देखिए हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना मशरूम। हमने मशरूम को फ्राई नहीं किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम और मसालों को हम 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारा मशरूम और मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना शिमला मिर्च और प्याज, जिसको हमने पहले ही फ्राई कर लिया था। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारा शिमला मिर्च और प्याज पहले से भुना हुआ था, इसलिए हमें इसे और नहीं भुनना है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप हाथों पे इस तरह क्रश करके और मिक्स कर दीजिए। हमने मशरूम की सब्जी में पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है, क्योंकि मशरूम थोड़ा बहुत पानी अपने आप छोड़ देता है और सब्जी बहुत गीली हो जाती है। तो मशरूम की सब्जी हमारी तैयार है। 2 मिनट तक हम ढक देंगे। तो चलिए सर्व करते हैं अपना कढ़ाई मशरूम। डेकोरेट करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया के साथ। तो दोस्तों आपको मेरी कढ़ाई मशरूम की सब्जी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।